हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन। आज अपन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या है ये पहले वीडियो में अपलोड किया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड साइन ए एंड कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे। दिस सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल में लिया जाता है, हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो राइट एंगल कहाँ पे है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और सी कहीं पे भी ले सकते हो आप। ओके, ये दोनों एंगल एक्विड एंगल रहेंगे, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। अब अपने को क्या बोला गया, साइन ए एंड साइन कॉस ए। तो ए बी गिवन है 24, बी सी गिवेन है 7, अपने पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए किसका कौन सा फार्मूला यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड मालूम है, थर्ड साइड फाइंड करना है, कोई भी थर्ड साइड अगर फाइंड करना रहेगा तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे, AC square, this is the hypotenuse. Okay, AC square is equal to AB square plus BC square. तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। Okay, तो अपने पास क्या क्या है, AB है 24, this 24 square is equal to 7 square, this 576 plus 49, the sum of these is 625, and 625 is the square of 25 square, so AC square is equal to kitna 25, so AC is equal to 25 ho gaya. Ab aapko kya kya find karna hai, to aapke paas third side bhi mil gayi. Okay, पहले एंगल कौन सा फाइंड करना है, ए, तो साइन ए, साइन ए के लिए मैं ये एंगल ले रहा हूँ, इस एंगल के अपोजिट साइड ये हो गई, तो इसको क्या मानोगे, पी, ये एडजेसेंट साइड बी और ये एच हो गया। तो साइन ए क्या लिखोगे, साइन ए क्या है फॉर्मूला, साइन ए पी बाय एच इज इक्वल टू पी 7 एंड एच 25। देन कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस, व्हाट इज फॉर्मूला, बी बाय एच, बी बाय एच, हाउ मेनी बी, 24 अपॉन 25। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन, साइन सी एंड कॉस सी, एंगल चेंज हो गया। जैसे ही एंगल चेंज होता है, तो अभी ये एंगल ले रहे, तो एंगल जैसे ही चेंज हो गया तो उसका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा, तो ये अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर मानोगे, किस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए। पहले अपन ने ए एंगल लिया था, इसके लिए ये पी लिया था, ये बी लिया था, अब एंगल अपना चेंज हो गया, ये सी हो गया, सी एंगल है, तो सी एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानोगे, एडजेसेंट साइड को बेस, हाइपोटेनस आपके पास एज इट इज रहेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी कितना है अब 24 अपॉन 25, एंड कॉस सी इज इक्वल टू बी अपॉन एच, दैट इज द 7 अपॉन 25। तो इस प्रकार आप हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, फिगर डायग्राम आपको गिवेन है, डायग्राम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज राइट एंगल, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या गिवन नहीं है, क्यू आर, क्यू आर कैसे फाइंड करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट थर्ड साइड फाइंड करने के लिए अपने को पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ओके, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे,
बताओ तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर क्या है हाइपोटेन्यूस है ना आपका फार्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी एच इज हाइपोटेन्यूस पी इज परपेंडिकुलर बी इज बेस ओके तो ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है मतलब ये वाइस वर्सा चलेगा तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आपके पास क्यू पी आर है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर सो 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 144 को ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड में 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर दिस इज 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर सो दैट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर कैंसिल सो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे अपने को PR मिल गया अब अपने को क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है tan P आपके क्वेश्चन में क्या क्या है tan P तो tan P पहले फाइंड करेंगे P एंगल कहाँ पे ये एंगल हो गया इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये आपको कितना मिला है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो ये आपका P हो गया ये B हो गया ये H हो गया ओके सो tan P P और P upon B, tan P होता है P upon B. Cot R is equal to B upon P. B कितना है? 5 upon 12. और अपने को क्या find करना है? Tan P minus cot R is equal to tan P is equal to how many? 5 upon 12 minus cot R is equal to 5 upon 12. So both value are equal and so that is 0 so tan p minus cot r is equal to 0 question number 3 if sin a is equal to 3 upon 5 4 so calculate cos a upon and tan a so solution sin a is equal to kya hai 3 upon 4 isko aap sin a ke formula P upon H means P कितना हो गया 3 और H is equal to 4 तो आपको क्या find करना है B find करना है B find करने के लिए पाइथागोरस फार्मूला H square is equal to P square plus B square this is a 4 square then P 3 square plus B square this 16 is equal to 9 plus B square so 16 minus 9 is equal to B square so B is equal to B square is equal to 7 so B is equal to under root 7 हो गया okay तो आपको क्या find करना है cos A is equal to what B upon H so that under root 7 upon 7 upon 4 and tan A is equal to P upon B P कितना है 3 and B 3 upon B आपने find किया under root 7 so this is the tan A student trigonometry ratios के ऊपर depend करते हैं कुछ questions अपन देखते हैं PBH problems so question है आपके पास sin theta equal to 4 upon 5 what is given trigonometry sin theta is equal to 4 upon 5 find the other trigonometry ratios other trigonometry ratios कौन से बच्चे cos tan से cot से cosec ये अदर अपने को find करना है solution देखो अपने क्या बोला था कि trigonometry हमेशा कौन से triangle में use किया जाता है right angle triangle में triangle ABC ABC right angle triangle at B यहाँ पे एंगल देखो कौन सा एंगल दिया है थीटा एंगल दिया है थीटा हमेशा बेस के ऊपर लेना है ये एक्यूट एंगल रहेगा हमेशा याद रखना है एक्यूट एंगल ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल रहेंगे ओके तो आपके पास क्या है sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 और sin थीटा का फार्मूला क्या है PBH फार्मूला P अपॉन H P अपॉन H मींस व्हाट
P equal to 4 and H is equal to 5. आपने एक पाइथागोरस थ्योरम देखा, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, H square equal to P square plus B square। आपके पास यहाँ पे perpendicular है hypotenuse से, क्या find करना है अपने को, B find करना है, base find करना है। By using Pythagoras theorem find base। तो अब ये angle लिया था, ये इस angle के opposite side, ये आपका P हो गया है ना, P कितना है 4, ये H हो जाएगा, H है अपने पास 5, अब ये B अपने को find करना है। तो 5 square equal to 4 square plus B square, this 25 is equal to 16 plus B square, 25 minus 16 equal to B square and B square equal to 9 and 9 is the square of 3, square square cancel, तो B is equal to 3। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, स्क्वायर जब भी अपन फाइंड करते हैं वहां पे दो वैल्यू होती है, कौन से, जैसे P B square is equal to plus minus 3 होल स्क्वायर होना चाहिए, ओके पर मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया क्योंकि ये अपन क्या फाइंड करते हैं, साइड फाइंड करते हैं, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव यूज किया है, ओके तो B कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, cos cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h इज इक्वल टू, b कितना मिला आपको 3, तो 3 by 5, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p by b इज इक्वल टू, p कितना है 4, 4 अपॉन 3, cot थीटा, cot थीटा इसका इनवर्स, b अपॉन p इक्वल टू 3 अपॉन 4, sec थीटा, sec theta equal to p upon b, h upon b, that is the 5 upon 3, and last cosec theta equal to h upon p, that is a 5 upon 4। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।